संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश तंडेल के दिशा निर्देशक पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह परमार के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज समारवर्णी पंचायत हाल में उत्तर प्रदेश दिवस को धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम शुभारम्भ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित महामना मालवीय मिशन के संगठन महामंत्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह एवं अन्य महानुभाव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अतिथि विशिष्ट के रूप में अमरजीत मिश्रा, आचार्य पवन त्रिपाठी, राम कुमार पाल, ओम प्रकाश दुबे, अमित सिंह राजपूत, बबलू सिंह, ज्ञान मूर्ति शर्मा, नागेंद्र तिवारी खास तौर पर उपस्थित रहे थे। इस दौरान इस कार्यक्रम में शिव तांडव सहित रामलीला के कुछ झांके उपस्थित मेहमानों के समक्ष दर्शाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के उत्तर भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य संयोजक प्रियंका सिंह परमार एवं सह संयोजक अनिल दीक्षित के साथ द्वारकानाथ पांडे, विशाल सिंह, सुधीर पाठक, मनिक चंद तिवारी, महेश शर्मा, संदीप तिवारी सहित अन्य उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश की जो आज की स्थिति है, वहाँ राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पूरे देश में राम राज्य दिखने लगा, इस कल्पना को देखने के लिए आज हम लोगों ने ये आयोजन किया। सर, यहाँ में उत्तर प्रदेश के लोग श्रम संस्कृति के वंशज हैं, वे शून्य से शिखर की यात्रा तो किए हैं, वे जब मॉरिशस जाते हैं, फिजी जाते हैं, गयाना जाते हैं, अंग्रेज उनको मजूर बना के लेके गए थे, वो मजूर से हजूर बन गए, वो गिरबिटिया बनकर गए थे, गवर्नमेंट बन गए, और उसी तरह से यहाँ भी अपनी मेहनत मशक्कत के बाद अपना उद्यम भी लगाते हैं, इस शहर की सेवा भी करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश का छोटे से छोटा नागरिक है, वो अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पा सकता है। दादरा नगर हवेली उसके सपनों को साकार भी करती है, इसलिए दादरा नगर हवेली के भी विकास के लिए वो अपना दायित्व का निर्वहन करें। वो उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर भारतीय समाज के लिए ही जीते हैं। उत्तर भारतीय समाज की जब भी जरूरत होती है, जैसी भी जरूरत होती है, हर पल हर समय जितना अपनी क्षमता है, अपनी क्षमता, हमारे भारतीय जनता पार्टी की क्षमता, सारे क्षमता को ज्वाइंट करके भी हम उनकी मदद करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, आगे और ज़्यादा करेंगे, इसका प्रयास करते हैं। इसके ही कड़ी में आज उत्तर प्रदेश दिवस, जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कुछ बिहार के लोगों ने, सब लोगों ने के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। और इसमें हमारे उत्तर भारत के लोग, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे बड़ौदा हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ के हमारे दोस्त मित्र सारे पार्टी से अलग हट के भी, जो दूसरे पार्टी में काम करते वो लोग भी आए। इसके लिए हम इस आयोजन में आए हुए सभी उत्तर भारतीय समाज के लोगों का हृदय से एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं। और एक साल जो 2024 का हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, वो बहुत ही भव्य होगा, और उसमें पूरे भारत से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे और यहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में उसका लाभ उठाएंगे। और इस संस्कृति को दिन खाली उत्तर प्रदेश तक ही हम नहीं रोक के रखेंगे, हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार दिवस, अन्य प्रदेशों के दिवस भी हम मनाएंगे, उसमें भी हम सहभागिता निभाएंगे और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये हमारा